नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम नॉलेज यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के 6 नए लक्षणों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण होने के बाद बुखार, थकान, सांस लेने में तकलीफ और कफ आना, इस तरह के लक्षण दिखते हैं। लेकिन अब बड़ी समस्या ये है कि इस तरह के लक्षण लोगों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि संक्रमण है लेकिन इस तरह के लक्षण लोगों में नजर नहीं आ रहे हैं या उनमें इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसे बिना लक्षणों वाला कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने कोरोना के 6 नए सिम्टम्स की पहचान की है। अमेरिका में पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी संस्था सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने इसकी पहचान की है। CDC ने बताया कि ठंड लगना, शरीर का कपकपाना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और स्वाद लेने की शक्ति में कमी आना, ये भी कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा इस स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया कि अगर किसी की नाक बहती है तो काफ़ी कम चांसेस है कि उसको संक्रमण है, या फिर इसके काफ़ी कम चांसेस है कि उसको संक्रमण हो सकता है और छींकना भी कोरोना वायरस का लक्षण नहीं है। दोस्तों CDC ने यह पहले कहा था कि बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ, इनके जैसे लक्षण कोरोना वायरस के संक्रमण में होते हैं। साथ ही CDC ने इंटरनेट पर जानकारी अपलोड करते हुए ये भी कहा था कि COVID-19 से संक्रमित मरीजों में कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कुछ लोगों में हल्के लक्षण होते हैं तो कुछ लोगों में गंभीर लक्षण होते हैं, और वायरस के संपर्क में आने से 2 से 14 दिनों के अंदर ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस बारे में CDC ने बताया कि हमारा शरीर हमें इस बारे में कई तरह से अलर्ट करता है, और इसमें सांस लेने में तकलीफ और छाती में लगातार दर्द या छाती में लगातार दबाव पड़ना और सफ़ेद चेहरा नीला पड़ जाना ये भी शामिल है। साथ ही अन्य दूसरे कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में कोरोना वायरस के दूसरे लक्षण भी दिखे हैं। दोस्तों WHO और CDC ने पहले लोगों को बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखने पर सावधान होने को कहा था। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने स्वाद और सूंघने की शक्ति खो जाने की शिकायत भी की थी, और साथ ही कुछ छोटे बच्चों के पैरों में नीले रंग के निशान भी देखने को मिले हैं। दोस्तों अब कोरोना पूरी दुनिया के लिए आफत बन गया है, और जब तक इसकी वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती तब तक हम इंसान काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बाहर जाने से बचें और नियमित तौर पर अपने हाथों की सफाई करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।